10 रुपए दे दो भैया। भारती कैन पीट स्कूल किधर है? मैडम आप ना आगे से जाकर लेफ्ट ले लेना। ठीक है भैया। ठीक है मैडम। अरे मैडम रुकिए। क्या हुआ? अरे मैडम अभी मेरे सारे पैसे इसी में थे, पता नहीं इतनी सी देर में कहाँ चले गए। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है, मैंने थोड़े लिए तेरे पैसे। देखिए मैडम अभी मेरे पैसे इसी में थे और यहाँ आपके अलावा कोई और आया भी नहीं, आप ना प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। अबे भिखारी तुझसे एड्रेस क्या पूछ लिया है, पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है। मैंने कहा ना मैंने नहीं देखे तेरे पैसे। देखिए मैम ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे अपने पैसों की बहुत जरूरत है और वैसे भी यहाँ आपके अलावा और कोई आया ही नहीं है, तो किसने मेरे पैसे चुराए होंगे? आपने ही मेरे पैसे चुराए मुझे पता है, प्लीज आप मेरे पैसे दे दीजिए मुझे। साले भिखारी तुझसे जरा सी हेल्प के ले ली तूने मुझे चोरी बना दिया, सीधे जाकर अपना काम कर वरना अभी मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं मैम ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए मुझे वापस। चल भिखारी कहीं का। अरे क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत है क्या? अरे सर देखिए ना मैंने इस भिखारी से हेल्प क्या मांग ली, ये मेरे पीछे पड़ गया कि मैंने इसके पैसे चुराए। क्यों भाई एक मांगने से काम नहीं चलता क्या, जो आते जाते शरीफ लोगों को परेशान कर रहा है। नहीं सर मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं मैडम ने मेरे पैसे चुराए हैं। अबे ओए अपने औकात में रहकर बात कर, तुझ भिखारी से पैसे चुराएंगी ये? ठीक है सर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप अभी इन मैडम की तलाशी लीजिए, अभी मेरे सारे पैसे निकल जाएंगे इनके पास से। ठीक है तलाशी तो मैं ले लूंगा लेकिन पैसे नहीं निकले ना इनके पास तो फिर तू जानता नहीं तेरे साथ क्या होगा। मैडम बैग दो अपना। अरे सर लेकिन। अरे मैडम आपने चोरी की ही नहीं है तो बैग चेक कराने में क्या दिक्कत है, आप तो दीजिए मुझे बैग। देखा सर मैंने कहा था ना इन्हीं मैडम ने मेरे पैसे चुराए, ये सारे पैसे मेरे हैं। अरे नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, ये सारे पैसे मेरे हैं, ये एक भिखारी है इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं सर ये सारे पैसे मेरे हैं। अबे भिखारी तूने एक साथ इतने पैसे देखे भी हैं कभी? देखे नहीं है मैडम ये सारे पैसे मेरे ही हैं। सर ये भिखारी है इसके पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं? हाँ मैडम सही बोल रही है, तू एक भिखारी है और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए बता। अरे सर ये पैसे इसके नहीं है मेरे हैं। अरे नहीं ये सारे पैसे मेरे हैं, मैंने अभी चोरी। क्या अभी क्या कहा तूने? नहीं नहीं कुछ नहीं। चुप, मुझे पहले से पता था कि तूने पैसे किसी और से चुराए, मैं तेरे मुझे बुलवाना चाहती थी। अरे मैडम ये क्या बोल रहे हो आप, ये पैसे इसके हैं तो आपने क्यों चुराए? हाँ सर ये पैसे मैंने चुराए हैं लेकिन ये पैसे इसके नहीं है, एक अंकल आए थे उसको भीख देने, इसने उनके सारे पैसे चुरा लिए और मैंने इससे पैसे इसलिए चुराए ताकि मैं उन अंकल को पैसे वापस कर सकूं। अच्छा बेटा भीख मांगने के बहाने चोरी करता है, चल थाने तुझे बताता हूँ। और हाँ मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उन अंकल के पैसे चोरी होने से बचा लिए, आप जाइए और उनको पैसे वापस कर दीजिए। जी सर। और तो चल अपने ससुराल।